क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने एक छोटे से गैराज से शुरू किया था आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का मालिक है। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन में ही कई मुश्किलों का सामना किया लेकिन अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेफ बेजोस की, जिन्होंने अपने सपनों को सच करने के लिए तमाम मुश्किलों का सामना किया और आज पूरी दुनिया को अपनी सोच से बदल रहे हैं। न्यू मैक्सिको में जन्मे जेफ बेजोस के जीवन की शुरुआत ही संघर्षों से भरी थी। उनकी माताजी ने काफी मेहनत की ताकि वो किसी तरह से घर चला सके। जेफ जब केवल 17 महीने के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया, लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उनकी माँ ने कभी हार नहीं मानी। कुछ समय बाद उनकी माँ ने मिगुएल बेजोस से शादी की, जो बाद में एक्सॉन में एक बड़े पद पर पहुंचे। मिगुएल ने जेफ को गोद लिया और उन्हें अपने बेटे की तरह पाला। मिगुएल से ही जेफ को कड़ी मेहनत और आत्मनिर्भरता के गुण मिले, जिसने उनके भविष्य को आकार दिया। कहते हैं ना, बचपन में अगर किसी चीज से लगाव हो जाए तो वो शख्स उसी में अपनी पहचान बनाता है। जेफ बेजोस को बचपन से ही मशीनों और कंप्यूटरों में गहरी दिलचस्पी थी। वो अपने कमरे में एक ऑटोमेटेड अलार्म सिस्टम तक बना चुके थे ताकि उनके छोटे भाई बहन उनके कमरे में बिना पूछे ना आ सकें। बेजोस ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। शुरुआत में उन्होंने स्पेस यानी अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ने का मन बनाया था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि कंप्यूटर और तकनीकी क्षेत्र में वे अधिक बड़ा योगदान दे सकते हैं। प्रिंसटन से स्नातक होने के बाद बेजोस ने वॉल स्ट्रीट पर काम किया, जहां उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया, लेकिन उनके दिल में कुछ और बड़ा करने की चाहत थी। 1940 में जब ज्यादातर लोग इंटरनेट को सिर्फ एक नई तकनीक मान रहे थे, बेजोस ने ई कॉमर्स की अनगिनत संभावनाओं को देख लिया। उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और एक गैराज से अमेज़न की शुरुआत की। उस वक्त उनका सपना था दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बुक स्टोर बनाना, लेकिन क्या आपको पता है, यह सिर्फ शुरुआत थी। बेजोस ने कभी सिर्फ किताबों तक सीमित रहने का इरादा नहीं किया था। वो अमेज़न को एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां लोग अपनी हर जरूरत की चीज खरीद सकें, और इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। उन्होंने अमेज़न किंडल, अमेज़न वेब सर्विसेज, AWS और प्राइम सब्सक्रिप्शन जैसे बड़े प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च किए। किंडल ने किताब पढ़ने का तरीका बदल दिया तो AWS ने कंपनियों के लिए ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का चेहरा ही बदल दिया, और प्राइम सब्सक्रिप्शन ने उपभोक्ताओं के अनुभव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। बेजोस हमेशा से लंबी अवधि की सोच रखते थे। जब भी कंपनी को मुनाफे से ज्यादा निवेश की जरूरत पड़ी, उन्होंने वो किया। शायद इसीलिए अमेज़न आज एक ग्लोबल लीडर है। हर सफल कहानी में मुश्किलें आती हैं, और अमेज़न भी इससे अछूता नहीं था। जब 2000 के दशक की शुरुआत में .com बबल फूटा, तब कई इंटरनेट कंपनियां खत्म हो गईं, लेकिन बेजोस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अमेज़न की रणनीतियों में बदलाव किए, नई तकनीकों में निवेश किया और ग्राहकों को सर्वोपरि रखा। हालांकि कंपनी पर कई बार मुनाफा न कमाने का दबाव भी आया, लेकिन बेजोस ने हमेशा दीर्घकालिक सफलता को प्राथमिकता दी, और यह उनकी दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि अमेज़न उस दौर से भी उबर कर और मजबूत बनकर निकली। 2021 में बेजोस ने अमेज़न के CEO पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी कायम है। वे केवल एक बिजनेस लीडर नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ई कॉमर्स की दुनिया को नए आयाम दिए हैं। उनके नाम पर कई आविष्कार और तकनीकी क्रांतियां हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा हैं। बेजोस अपने व्यवसाय के अलावा समाज सेवा में भी अग्रणी रहे हैं। उन्होंने बेजोस अर्थ फंड की स्थापना की, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनकी सफलता की कहानी न सिर्फ व्यापारिक क्षेत्र में अद्वितीय है, बल्कि यह बताती है कि किस तरह से मेहनत, दृढ़ संकल्प और नई सोच से कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। तो यह थी जेफ बेजोस की कहानी, एक ऐसा इंसान जिसने अपने छोटे से सपने को इतना बड़ा बना दिया कि आज पूरी दुनिया उसके नाम को जानती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारे पास सच्ची लगन, मेहनत और दूरदर्शिता है तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। क्या आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? जो भी मुश्किलें आएं, कभी हार मत मानिए। बेजोस की तरह आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बस सपने देखिए और उन्हें साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।